हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन पॉइंट में आज की इस वीडियो में बात करेंगे एन न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स सैलरी जिसकी यहाँ पर चौबीस हजार पर मंथ रखी गई है फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेंड्स आपको आवेदन कैसे करना है इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कितने पोस्ट निकल कर आए हुए हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हो मैं ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस पर आ चुका हूँ और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन इसका टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा सर्च करो टेलीग्राम में एक ऑनलाइन पॉइंट या फिर फेसबुक पेज पर यह नोटिस सेंड कर दी जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलेगी जहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे वहीं से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो डिप्लोमा इंजीनियर के लिए सत्तर रिक्तियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हो एन लिमिटेड रांची एन लिमिटेड रांची से डिप्लोमा इंजीनियर के सत्तर पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए बारह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पदनाम आप देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग पद निकाले गए हैं सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है और जिस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा जैसे कि मान के चलो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनीज का दिया गया है माइनिंग पद चालीस यहाँ पर रखे गए हैं योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम से कम सत्तर फीसदी अंक के साथ माइनिंग माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में आप देख पा रहे हो पूर्णकालिक एवं नियमित डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होना चाहिए या फिर आप मकैनिकल के लिए देख पा रहे हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम से कम सत्तर फीसदी अंक के साथ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक एवं नियमित डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होना चाहिए फिर एडिकल का दस रखा गया इसी तरह माइन सर्वे पद का आठ रखा गया है ठीक है एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आयु की तो बारह दिसंबर दो के अनुसार अधिकतम आप पच्चीस वर्ष के होने चाहिए और आरक्षित वर्ग के नियमानुसार छूट मिलेगी जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा चयन प्रक्रिया आप देख पा रहे हो उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में आयोजित ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा प्रथम चरण में ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे लिया जाएगा ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है और इसमें 120 सौ बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की समय अवधि दो घंटा निर्धारित है प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और गलत उत्तर के लिए जीरो पॉइंट पच्चीस अंक काट लिए जाएंगे और इसमें समान उम्मीदवारों के लिए चालीस फीसदी तथा ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए तीस फीसदी यहाँ पर अंक निर्धारित है फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है जी हाँ फ्रेंड्स और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही एक अनुपात दस के अनुसार उम्मीदवारों का यहाँ पर द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ठीक है और अंतिम मेघा सूची तैयार करने में इसमें प्राप्त अंक नहीं जोड़े जाएंगे और द्वितीय चरण में ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की समय अवधि दो घंटा निर्धारित रहेगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक का गलत उत्तर के लिए जीरो पॉइंट पच्चीस यानी कि जीरो दशमलव पच्चीस अंक काट लिए जाएंगे और इसमें मानता उम्मीदवारों के लिए चालीस फीसदी तथा ओ बी सी एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए तीस फीसदी यहाँ पर जो अंक निर्धारित है और इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम मेघा सूची तैयार होगी कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा ये आप देख लीजिए यहाँ पर और कैसे आवेदन करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो डब्लू डब्ल्यू डॉट एन टी पी सी कैरियर्स डॉट नेट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप इसको गूगल में टाइप करके डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो और लॉग इन करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा ठीक है रजिस्ट्रेशन के तीन सौ रुपये दे होंगे ये सी एस टी पी डब्ल्यू डी महिला उम्मीदवार के रजिस्ट्रेशन फ्री रहेगा ठीक है ये आप जान लीजिएगा फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि यहाँ पर बारह दिसंबर है देख पा रहे हो इससे पहले पहले आपको कर देना है तो ये सारी चीज़ें थी और अगर आप इनसे इंटरेस्टेड हो इन जॉब से और आप इनकी क्वालिफिकेशन रखते हो तो आवेदन आप जरूर कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत